रुकिया। बद्ध स्थान से चला पत्रकारिता में मानवीय भावनाओं अंतर के कर्मों का आश्रय शब्द वसाय बन जाता है। वो जनतंत्र पत्रकारिता जब पूंजी की ओर मूल्य गए जनता में उसका चौथा स्तंभ नहीं रह जाता है, बल्कि स्वतंत्र और संवेद आत्म अभिव्यक्ति के लिए एक बद्ध स्थल में परिवर्तित और मानवतावादी कर्मकारों को वहां से छलांग लगानी पड़ती है। बद्धस्थल से छलांग ये मूल कहानी है। शेष सुलभ की नाट्य रूपांतरण ने किया है करीना ने। सह निर्देशक हैं ईश्वर प्रसाद सिन्हा और मार्गदर्शन दिया है गणेश प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर किशोर सिन्हा, सुशील शर्मा और नीलेश्वर मिश्रा ने। और इस नाटक के निर्देशक हैं सुमन कुमार जी। प्रस्तुत है नाटक बद्ध स्थल से छाना। Thank you.
un dinote de liube de ca. साली क्या नाचती है, क्या छलांग लगाती है। गवनवा ले जा राजा जी, गवनवा ले जा राजा जी। तभी तो हमारी प्रतिष्ठा है, हमारे अखबार की प्रतिष्ठा है।
इसीलिए हमारे पार का प्रसाद ज्यादा है भाई। अच्छा, सूर्य नारायण जी ने इस रिपोर्ट पर क्या कहा? कुछ कहा भी या नहीं? हाँ, सूर्य नारायण जी तो पढ़ चुके हैं। अच्छा, जहां तक उनकी प्रतिक्रिया का सवाल है तो ये देखो, सूर्य नारायण जी तो इधर ही चलते आ रहे। अरे प्रभु, आप यहाँ हैं? मैं आप ही को ढूंढ रहा। अच्छा अच्छा हुआ कि मिल गए। अरे भाई, 10 बजने वाले हैं, हमारे नए संपादक महोदय आते होंगे। चलिए सारे लोग चलिए। हाँ चलिए, मीटिंग का सारा इंतजाम हो चुका है, सारे लोग पहुंच चुके हैं। अब बस संपादक जी का ही इंतजार है। मुझे लगता है आप उन्हें आ जाना चाहिए। अरे भाई, आते ही होंगे, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें। सूर्य नारायण जी, मेरी रिपोर्ट तो आपने भी पढ़ी थी, आपको कैसी लगी? आपने कुछ बताया नहीं और आपकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं भाई। अरे तुम्हारे इस रिपोर्टार्ज के बारे में क्या कहूँ, कैसे कहूँ, बस समझ लो मन का गद हो गया पटकर। तभी तो सूर्य नारायण जी, मैं अपूर्व की लेखनी की कायर हो गई हूँ। तुमने जो अपने इस राजनीतिक रिपोर्टार्ज में वो नारी उत्थान और नारी सशक्तिकरण का जो उल्लेख किया है, उफ, लोगों में ये हलचल पैदा कर दिया है। दम है तुम्हारी लेखनी में। और ये राम प्रकाश तिवारी जी का साप्ताहिक कॉलम शहरनामा, उसके बारे में क्या ख्याल है मैडम? शहरनामा, तिवारी जी का ये कॉलम, अरे तिवारी जी का ये कॉलम अद्भुत है, अद्भुत। उनके आलेख, उनके विचार अपने आप में मील के पत्थर हैं। देखिए, हर आदमी का अपना अपना नजरिया होता है, हर इंसान का एक स्त्री के प्रति, एक औरत के प्रति अपनी एक अलग सोच होती है। स्त्री जाति से अपने अपने ढंग से अपेक्षा की जाती है। कोई उसे प्रेम की प्रतिमूर्ति मानता है तो कोई उसे शक्ति का द्वेतक मानता है। सही सही, पर कोई एक स्त्री को नफरत और हिकारत के नजरिए से भी तो देख सकता है। हाँ, दरअसल ये वही लोग हैं जो एक स्त्री को सिर्फ और सिर्फ भोग की वस्तु बनाते हैं। सच है, एक ही स्त्री के विभिन्न रूप होते हैं। हाँ, लोगों का नजरिया और अपेक्षाएं भिन्न हो जाती है। खैर, यह सब बात छोड़िए, ये तो एक बहस का मुद्दा है। हाँ, ठीक है। सही, पर मेरे ख्याल से हमारे नए संपादक जी के आ जाने से जैसे नए शुरुआत का युग आरंभ हो गया है, तुम्हें नहीं लगता? अरे भाई, संपादक जी शहर के अजनबी थोड़ी हैं। मैं बताता हूँ, उनका जन्म स्थान और आरंभिक कार्य क्षेत्र का गौरव इसी शहर को तो प्राप्त है। रमेश, पता है पता है। सूर्य नारायण जी, आपको तो याद ही होगा और आप तो साक्षी रहे हैं, ये नए संपादक जी जिन दिनों यहाँ हुआ करते थे, ये रमेश वर्मा पत्रकारिता का टकहारा सीख रहा था भाई। और हमारे इसी संपादक महोदय ने उन दिनों इसे काफी काफी प्रोत्साहित किया था। काफी पुराने संबंध है, वैसे आज भी संपादक जी तुम्हें बहुत चाहते हैं। अब मैं क्या बताऊं। हाँ, ये उनकी जरा नवाजी है भाई। पहले दिन ही जब संपादक जी दफ्तर आए, तुम लोगों ने देखा नहीं, उन्होंने सबसे हालचाल पूछा और फिर हमारे यूनियन के सचिव इस रमेश वर्मा को साथ लेकर घर चले गए। अरे भाई, यही तो प्यार है, यही तो दुलार है। देखिए देखिए, मेरे ख्याल से अब एक नया और उम्दा माहौल बन रहा है, बल्कि यूं कहिए कि शुरू हो रहा है। ये जो संपादक और यूनियन के बीच में जो पिछले 3 साल से चली आ रही है दुश्मनी, खटास और खींचातानी थी, अब मुझे लगता है सहयोग और विश्वास की संस्कृति का युग आरंभ हो रहा है। ये बात तो है, और ये सब इस रमेश वर्मा का ही कमाल है। जानते हो कुछ? देखा नहीं, उस दिन संपादक महोदय की गाड़ी में जाके बैठते हुए इसने कैसे हम सब की ओर बड़े ही प्रसन्नता और विश्वास भरी नजरों से देखा था। और जब लौटा तो भी काफी संतुष्ट और उत्साहित था। हाँ, मैंने सही कहा ना? सही कहा। मगर उसके बाद दूसरे दिन की रात तक सारे उप संपादकों और सारे समाजदाताओं से एक एक कर उन्होंने घर पे बात की, मगर इस सूर्य नारायण जी को छोड़कर। पर मुझे मलाल नहीं है इन सब बातों। अरे सूर्य नारायण जी,
मगर सबके लिए अलग अलग बुलावा ही तो आया था। देखिए मेरी बात सुनिए, अब हम लोग नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, अरे छोड़ो इन सब बातों को, अब नए ढंग से सोचो और सोचने का तरीका बताओ। हाँ और क्या, आज तीसरा दिन है, आज की इस बैठक के लिए प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टरों को तार देकर बुलवाया गया है। लेकिन वो जाम में फंस चुके हैं। हाँ अरे ये पिछली कतार में बैठकर कौन हो रहा है भाई? अरे ये तो अपने तिवारी प्रभु है भाई। कभी हृदय कभी ताले के धनी। हाँ तिवारी आप पीछे क्यों बैठे हैं, आप आगे आ जाइए। हाँ आइए आइए तिवारी भाई। देखिए तिवारी भाई, आप एक सांस्कृतिक संवाददाता हैं और आप एक साप्ताहिक कॉलम शहरनामा भी लिखा करते हैं। जनाब आप क्या चीज है यह सब जानते हैं। आप जनाब ऐसा करिए यहाँ आ जाइए। हमारे संवाददाता जी को आसानी होगी आपको संबोधित करने में। आइए आराम से सुनिए सुनिए, संवाददाता जी आ गए। पहले मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज मैंने आप लोगों को यहां इसलिए बुलाया है कि मैं आप लोगों से अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें कर सकूं। मन की बात है। और आज मैं एक विशेष मिशन से यहां आया हूं। मिशन? हां विशेष मिशन। आपका ये सवेरा टाइम्स अखबार बंद होने वाला है। क्या बंद होने वाला था? जी हाँ, मैनेजमेंट ने पिछले संपादक की कारगुजारियों के कारण सवेरा टाइम्स अखबार को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लिया है। लेकिन एक आखिरी कोशिश के तौर पर मुझे यहां भेजा गया और मैंने ये जिम्मेवारी आप लोगों के बलबूते स्वीकार किया। देखिए भाई, मैनेजमेंट यूनियन से बहुत फैक रखता है, बहुत सारा, लेकिन मैं यहां आने के पहले मैनेजमेंट को है से करीब करीब मुक्त कर, मैंने मैनेजमेंट को यह बता दिया कि यूनियन की अगली कतार में बैठने वाले लोग और सवेरा टाइम्स के 85% लड़के और लड़कियां हमारे अपने हैं। आप सभी हमारे अपने हैं, ये शहर हमारा अपना। अब मैं ये चाहता हूं कि मैनेजमेंट को शांत रहने दिया जाए, उसे पीसफुली रहने दिया जाए और मैनेजमेंट से हम लोगों को जो कुछ भी हासिल करना है
उसको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आगे जाओ। देखिए, मैं यहां कोई राजनीति करने नहीं आया और ना मैं ये चाहूंगा कि हमारे इस सवेरा टाइम के दफ्तर में किसी तरह की राजनीति हो। मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि आप लोगों के बीच बैठे हुए कुछ लोग पत्रकारिता कम और सिर्फ राजनीति ही राजनीति करते हैं। राजनीति के बल पर संपादक की गोद में बैठकर चुम्मा चाटी करने वाले लोगों को मैं आगाह करने देना चाहता हूं कि यहां ये सब नहीं चलेगा। यहां राजनीति नहीं चलेगी, मैं उन्हें बदल दूंगा। मैं आया हूं इसीलिए यहां पर कि उन्हें बदल दूं, और अगर बदल नहीं सकूंगा तो मैं सवेरा टाइम ऑफिस के हाथे सोने बाहर फिटवा दूंगा। मैं आप सबों से कई गुना ज्यादा मंझा हुआ राजनीतिवाद हूं। मैंने इस प्रदेश के दो दो मुख्यमंत्रियों के साथ राजनीति की है और उनकी सत्ता को चुनौती दी है। उस वक्त मैं मात्र विशेष संवाददाता था, अब तो मैं संपादक हूं। ओ, यहां देख रहा हूं कि कुछ गुंडे भी बैठे हुए। पिछले संपादक के साथ मिलकर इन गुंडों ने आतंक मचा रखा था, लेकिन मैं इन गुंडों को भी आगाह कर देना चाहता हूं कि वे चुपचाप चूहे की तरह बिल में समा जाएं। किस तरह? चूहे की तरह, क्योंकि अब उनका एक भी यहां नहीं चलेगा। उनसे ज्यादा दबंग और ताकतवर आदमी अब इस सवेरा टाइम्स दफ्तर का संपादक है। आज भी मैं राजेंद्र नगर की गलियों में रामपुरिया चाकू लेकर 12 बजे रात को अकेला घूमता हूं बिना भय के। मैं चाहूं तो अभी के अभी उन गुंडों के बाल चबा कर इस सवेरा हाउस से बाहर फेंक सकता, लेकिन नहीं। सूर्य नारायण जी, मैं उन्हें भी एक मौका देना चाहता हूं। मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। अब आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप लोग तहे दिल से मेरा साथ। मैं इतना ही कहकर आज की गोष्ठी समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बोला सर, माला लीजिए। खरीद गुलाम हो। वैसे उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। हाँ, कहने का अंदाज अलग जरूर था, लेकिन ये जरूरी भी तो था। क्यों सुर नारायण जी? वाह अजी, मैं तो कहता हूँ कि सवेरा टाइम्स के लिए अपनी पत्रकारिता का दौर अब शुरू हो रहा है। ये जो बाहरी साख भीतरी खींचा तानी के कारण नहीं बन पा रही थी, अब बनेगी, मुझे विश्वास हो चला है। क्या रोविला भाषण था, मैं तो पहले ही समझ गया था ये संपादक जी बहुत ऊंची चीज है। अरे रमेश, हाँ देखा नहीं पिछले संपादक के प्रियजनों के चेहरे कैसे कैसे हो रहे थे, एकदम हल्दी पीसे हुए
झील की तरफ पियरा रहे थे चेहरे। बात सिर्फ चेहरे की नहीं, तुमने देखा नहीं कैसे एक नाटकीय विराम के साथ सिकुड़कर छोटी होती हुई उनकी आंखें पूरी सभा को बेध रही थी। मैं तो डर ही गई थी। सही बात है अशला, लगभग सारे लोग हाँ रहे थे। मैंने भी महसूस किया, लोग मरने मरने को हो रहे थे, जैसे सबके प्राण हुकुका रहे हो। हाँ। मैं तो अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाया हूँ। ऐसे में भला कैसे काम करेगा कोई? अखबार चलाना कोई हंसी खेल नहीं है, ये तो साफ साफ डराना हुआ, धमकाना हुआ, ये तानाशाही है। सिर्फ एक राम प्रकाश तिवारी जी ही ऐसे थे जो जीवित थे। इनकी उम्र तो कब की खत्म हो चुकी थी। ये सतर्क होकर दल कर बैठे हुए संपादक जी को एक तक घूरे चले जा रहे थे। कमाल है भाई। सूर्य नारायण जी। जी इधर 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 हूँ मैं। सूर्य नारायण जी, जी। अब अगर आपसे प्राण लौट चुके हो तो मैं कुछ कहूँ? हाँ हाँ कहिए। आपको नहीं लगता कि किसी संपादक ने इतना जोरदार भाषण पहले कभी दिया? भाई अब काम तो हम लोगों को इन्हीं के साथ करना है, तो फिर बेखौफ होकर काम करो, पूरे जोश के साथ काम करने का यत्न करो। यही तो संपादक जी ने कहा अपने भाषण में। हाँ, यही तो कहा है। क्या इस हिसाब से देखा जाए तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन सोच कहूं तो अंदर से मैं भी डर गया था। अरे भाई अब आएगा काम करने में मजा। दमदार संपादक है भाई, दमदार। पिछले संपादक तो थे लल्लू जगन्नाथ। सही कहा सुनील नारायण जी, आए और चले गए। मिस्टर क्राइम रिपोर्टर। हाँ पूछताछ बात। हाँ बोलो। नींबू वाली चाय पीने चलेंगे क्या? नींबू वाली चाय बस स्टे। चलो चलो बोला। हम लोग मिले दूध वाली चाय लेके आओ। Thank you.
चार वर्षों से उन तीनों को इस शहर के भीतर मंडराते हुए देख रहा हूँ। अक्सर वो तीनों एक साथ होती हैं, चाहे कोई भी मौसम हो तीनों अपने पंख फैलाए उड़ती फिरती। शहर का कोई भी कोना अछूता नहीं और ये शहर है ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। फिर भी सुबह से शाम तक वे तीनों कहीं ना कहीं दिखी जाती है। उन्हें देखते ही राम प्रकाश तिवारी की आंखें चमक उठती है, वो एक बछड़े की तरह घुमकने लगता है। उसका मानना है कि उन तीनों से उसे जीवन की ऊर्जा मिलती है। आप इसे तिवारी का पागलपन समझ सकते हैं, पर मैंने भी स्वयं अनुभव किया है कि उसके लिए ये सच है। अक्सर वो हमारा साथ छोड़कर उन तीनों के पीछे घंटों घूमता रहता है। जब कभी भी वो बेहद उदास और थका टूटा होता है उन तीनों की खोज में निकल पड़ता है, और जब तीन के बदले दो होती हैं तिवारी का मन चिंता से भर उठता है, आखिर तीसरी का क्या हुआ। ऐसी स्थिति में मैंने उसे गुदगुदाते हुए सुना है कि कहीं वो बीमार शीमार तो नहीं पड़ गए, शहर के असामान्य मौसम की भेंट चढ़ गई, या कि किसी शरारती ने उसके पंख नोच लिए। देखा पुष्पेश भाई, देखा क्या? उन तीनों तितलियों का साहस देखा? कौन तीनों? अरे वही जो अभी अभी नाच गा रही थी। तो वामन अवतार में थी। हाँ, वामन अवतार की तरह तीन देग में पूरी पृथ्वी को नाप कर चली रही तीनों। समझ गया समझ गया। अबे तू ये बता, तू मेरे साथ वापस दफ्तर चलेगा या नहीं? दफ्तर? हाँ दफ्तर। सपनों से बाहर आती भाई, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, मुझे थाने से मिली सूचनाओं पर रिपोर्ट तैयार करना है अभी तुरंत। चलो चलो। पुष्पेश अब क्या हुआ? एक बात बताओ, क्या आज तुमने थाने से कौन सी कथा बटोरी? अरे वही पुरानी घटनाओं की पुनरावृत्ति है। एक जवान लड़की ने प्रेम में असफल होने पर आत्महत्या कर ली थी। लड़की का प्रेमी उसी की सहेली के साथ भाग गया। लड़की यह सदमा झेल न सकी और जहर खाकर अस्पताल पहुंचते पहुंचते असफल प्रेमिकाओं के इतिहास में दर्ज हो गई। बस यही एकमात्र खबर लेकर वापस लौट रहा हूँ, और क्या। दुनिया से सारी अच्छी चीजें तेजी से नष्ट हो रही है। जैसे? जैसे प्रेमिकाएं। अच्छा। नफरत है, वह अपने माथातों को मौन ही देखना चाहते हैं।
इसलिए तो पिछले डेढ़ माह में उन्होंने कभी किसी के सामने किसी दूसरे से कोई बात नहीं की है। हर किसी से वो अकेले में बातें किया करते हैं। बहरहाल आज यहाँ फिर एक मीटिंग बुलाई गई है। गाने वाली लड़कियों के माध्यम से ये अपनी दर्शन फिलॉसफी उछेलते हैं, यानी उन्हीं लड़कियों के ऊपर ही लिखते हैं। तिवारी जी की तन्यता को देखकर तो मुझे पहले ही विश्वास हो गया था कि तिवारी पक्का कोई जबरदस्त पीस लिख रहा है। ये अपनी प्रतिभा का लोहा संपादक महोदय को मनवा के रहेगा और वो आज सही साबित हो रहा है। गलत, एकदम गलत। मैं ये बात साफ साफ बता देना चाहता हूं आप लोगों को, वेश्याओं के बल पर राजनीति में पद और बीवियों के बल पर नौकरी में प्रमोशन पाने वाले लोगों का मैं सख्त विरोधी हूं। अब कल की बात सुन लीजिए आप लोग, एक पत्रकार महोदय अपनी बीवी के साथ रात के वक्त मेरे घर पर मेरा हाल चाल पूछने के लिए आया। मैं उनका नाम ही आप लोगों को बताऊं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ऐसे लोगों को मैं हाशिए पर रखता हूं और हाशिए पर ही रखूंगा। बीवी के बल पर वो अखबार में प्रमुख स्थान नहीं पा सकते, कभी नहीं पा सकते। मेरे अखबार में कुछ कवि और साहित्यकार टाइप के लोग भी आ गए हैं। मेरा ऐसा मानना है सूर्य नारायण जी, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे लोग पत्रकारिता के लिए, पत्रकारिता के दुनिया के लिए कोड़ होते हैं। उन्हें समाज के सत्यता का कोई भी ज्ञान नहीं होता। मुझे साहित्यकारों और कुत्तों से नफरत है और इन दोनों को मैं अपने इस सवेरा टाइम ऑफिस में किसी भी कीमत पर नहीं टिकने दूंगा, उन्हें निकाल कर रखूंगा। कुछ लोग अपने आप को कवि और साहित्यकार समझकर तुर्रा मारते हैं। मैं उन लोगों को भी हिदायत करना चाहता हूं कि आप पत्रकारिता करना शुरू कीजिए और कविता करना बंद कीजिए। यू मिस्टर राम प्रकाश तिवारी, तिवारी जी मैं आपसे ही बोल रहा हूं, आप कविता छाड़ना बंद करके पत्रकारिता शुरू कर दीजिए, नहीं तो
नहीं तो क्या कर लेंगे संपादक महोदय? जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। मुझसे बात करने चले, रात दिन घूमते रहते, सारा रिपोर्ट मेरे पास, मुझसे जुबान लड़ाते हैं, पत्रकार माने फिरते हो तुम। तुम्हारे बारे में एक क्या खबर है मुझे? दारू पीकर बागारू नाचने वाली औरतों के पीछे पीछे नाचते फिरते हैं आप, पत्रकार बनते हैं, ये रिपोर्ट है, यही है अखबार की भाषा। इसमें खबर कहां है? बागारू औरतों और वेश्याओं पर लिखने के लिए हमारा ये अखबार नहीं है। हम जनता के पत्रकार हैं, जनता पर लिखिए। जनता और वेश्या में बहुत फर्क होता है। हटिए, मैं कह रहा हूं, हट करते हैं। देखिए तिवारी जी, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आपका ये शहरनामा कॉलम आज से बंद, और आप सांस्कृतिक प्रतिनिधि का भी काम नहीं करेंगे, आप केवल क्राइम देखेंगे। आपसे सूर्य नारायण जी धरा जी, आज की मीटिंग में यही खत्म करता हूं, वेरी मच डिस्टर्ब। सबकी बीच बदल दीजिए, राइया मेरे चेंबर में, ऊपर वाले चेंबर में आइए, मैं सारे लोगों को नए काम का अलॉटमेंट देना चाहता हूं। ये हमारे साथ अखबार के साथ कैसा सलूक हो रहा है? इनौना सलूक है, आखिर हम कब तक सहते रहेंगे? हाँ, ये तानाशाही है और ठीक है, ये तानाशाही है। इतना घटिया संपादक इस अखबार में कभी नहीं आया था। संपादक जी के सामने तुम लोगों की, तुम सबों की गिग्गी क्यों बन जाती है? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था, अच्छा मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकता। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जूते लगाने का हो रहा था। अरे आदमियत नाम की भी कोई चीज होती है यार, कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा साहब, पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। मैं बोलूं, जनाब करने या नाराबाजी से काम नहीं चलने वाला। मेरा मानना है कि क्यों ना मैनेजमेंट को नोटिस देकर कल से ही कलम बंद हड़ताल कर दी जाए। क्यों? हड़ताल से भी कोई फायदा नहीं होगा, पर कुछ ना कुछ इनका उपाय करना पड़ेगा। हाँ हाँ, उपाय करना जरूरी है। तो ठीक है, फिर शाम को हम बैठक कर लेते हैं। क्यों? हाँ हाँ, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। चलिए मिस्टर स्पेस, हाँ अब आप स्पोर्ट्स यानी खेल का पन्ना देखेंगे। स्पोर्ट्स और मिस्टर राम प्रकाश तिवारी, अब से आप क्राइम देखेंगे। और भी परिवर्तन किए गए हैं, सारे लोगों को अलग लेटर दे दिए जाएंगे। चलिए पहले अपने काम पे चलिए सारे लोग। Thank you.
देख देख तू सब देख देख उस साला को ना उसको छोड़ना नहीं है उनके लास्ट साले ठीक है पीछे पीछे चला जाता बड़ा भोला है रे एकदम में भोला अबे साले तेरे को समझ नहीं है बॉस ने क्या कहा था बॉस ने कहा था उन बुढ़ाओं को खाली परेशान कर देना है अरे लपड़ थप्पड़ देना है बदतमीजी करना है अरे हरामी बन करना है बेटा हरामी बन तेरा काना दिमाग कहाँ चला गया फैशन में फकीर साला ऐसा ही चला आया बिना कुछ समझे मुझे है
तिवारी प्रभु, भाग्यशाली हैं आप, पहले दिन ही ऐसी महत्वपूर्ण खबर, क्या बात है। चलो बस स्टैंड चलते हैं। बस स्टैंड इस समय वही होंगे तीनों, वही मिलती है। अच्छा, अब पर कोई भरोसा नहीं है भाई, पता नहीं कौन कहाँ और कब गुम हो जाए। चलो चलो चलो। हिम्मत कैसे की मुझसे,
जब ये क्राइम रिपोर्ट कर रहे थे तो उन लड़कियों के आशिक दिखते हैं इस पत्रकारिता में। आपका काम विक्टिम का पक्ष लेना नहीं है। जाइए जाइए, पहले जाकर के इस कांड के तथ्यों को खोजिए। अरे जाइए महाराज, लड़ चुके हैं आप, जाइए। आखिर मामला क्या है? मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। कल की घटना पर इनकी रिपोर्ट फिल कर दी गई है, खबर पूरी तरह बदल दी गई है, यही बात है। अच्छा, खबर में तो आया था कि कोतवाली थाना के इंचार्ज का बयान था कि बीच चौराहे पे कुछ मनचलों ने एक लड़की को छेड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही वो सारे भाग गए। पुलिस संरक्षण में उसे उसके घर तक पहुंचा दिया गया। इतना बड़ा अपमान, शर्मनाक है। ये हमारे संपादक जी आदमी को आदमी नहीं समझते। क्या किसी व्यक्ति का अपना कोई वजूद नहीं होता है? कुछ न कुछ तो करना होगा। अब यूनियन को सतर्क हो ही जाना चाहिए, ना जाने कैसा व्यक्ति संपादक जी के कुर्सी पर आ बैठा है। अरे अखबार ऐसे नहीं चलता है, अखबार ऐसे नहीं चलता है। अतिवारी ने गलती क्या की थी? पत्रकारिता की दुनिया को तो इस संपादक ने पूरी नाश कर दिया पूरा। यही ऐसा सिर्फ उबलने से कुछ नहीं होगा, अब हमें एक कठोर कदम उठाने होंगे। मैनेजमेंट को खबर देनी जरूरी है, संपादक के कारनामों को उजागर करना जरूरी है। हाँ, मैनेजमेंट को विरोध पत्र देना ही पड़ेगा, क्यों एकदम जरूरी है। हाँ, चलिए चलिए। चाहता है एक जोरदार तमाचा मारे कालों पर चढ़ दूं और तब पूछूं कि
इतने दिनों कहाँ गायब हो गया तुम मर्द? ये तुम्हारा प्यार है भाई, तुम सब का प्यार है, तुम मुझे ढूंढते रहे। एक बात कहूँ? बोलो भाई। दोस्त तुम शादी कर ले। शादी? मेरी बातों को हंसी में मत डाल, मैं सीरियस हूँ। देख तू शादी कर ले, तेरे भीतर का ये जो हाहाकार है ना थोड़ा कम हो जाएगा, थम जाएगा। शादी करने से तेरे भीतर का हाहाकार थम गया? शादी करने से हाहाकार नहीं थमता मेरे भाई, नहीं थमता। अगर ऐसा होता तो ये सारे शादीशुदा लोग सुखी होते, निश्चिंत होते। यार एक डायवर्जन तो मिलता है भाई। अरे भाई मेरे भीतर कोई हाहाकार मचा हो तब तो डायवर्जन दूं। मेरे भीतर कोई हाहाकार नहीं है, यही तो टेस्टी है। मेरे भीतर कोई हाहाकार नहीं है। तिवारी जी, आपको संपादक महोदय ने बुलाया है। संपादक छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। चल भागे यहाँ।
आपका यही रवैया रहा तो अखबार बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो बंद हो जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। आप तिवारी जी के लेखन और उनके प्रमाण पे भरोसा क्यों नहीं करते? ओ, इतना अपमान आप किसी का भी नहीं कर सकते। आप किसी आदमी को आदमी क्यों नहीं समझते? तुम इस आदमी की हिमायत करती हो, पैरवी करती हो, याद भी नहीं है, याद भी नहीं है, जानवर है। उसने अपनी रिपोर्ट में जिस घटना का जिक्र किया था, स्त्री जाति के अपमान, उसकी दुर्दशा। अरे मैं सभी स्त्रियों को जानता हूँ। और लॉ एंड ऑर्डर की सही सही चर्चा की थी। क्या उसे निष्पक्ष होकर अखबार में नहीं आना चाहिए था? अरे निष्पक्ष होकर अखबार में नहीं आना चाहिए था। मैं सभी औरतों का अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो डाय होती है, अय्याश होती है, तू तो चालाक होती है। स्त्री जाति के प्रति आपका ऐसा नजरिया, किसी भी व्यक्ति के वजूद को इस तरह से नकारना, उसकी इज्जत उतारना, ये तो हद है। अखबार बंद हुआ तो आप संपादक नहीं रह जाएंगे। अखबार बंद हो जाएगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। मैं तो हवाई जहाज से घूमता हूँ। अपनी सोचो, अपनी बीवों को लेकर दूसरों के घरों में घूमते फिरोगे। मैं कहता हूँ आप अपनी भाषा बदलिए। सुना आपने? मैं कहता हूँ आप अपनी भाषा बदलिए। अबे लौंडे, तू मुझे पत्थर दिखाएगा? जब तेरे नाक से नीटा पोटा बहता था, उस वक्त मैंने तुम्हें पत्रकारिता सिखाई, लिखना पढ़ना सिखाया, और इस पत्रकारिता की दुनिया में तुझे मैंने खड़ा किया है। मैं साफ हूं, साफ। मैं अपने अंडे को भी खा सकता हूं, वो तुम्हें भी खा सकता। पानी ऊपर चढ़ गया है, अब बर्दाश्त नहीं होता। हड़ताल, हाँ हड़ताल ही अब विकल्प है। हड़ताल अब होना ही चाहिए। हाँ, अब हमें निर्णय लेना ही होगा। पर हम करेंगे क्या? एक ही उपाय है, हड़ताल और कलम बंद हड़ताल। मजबूरी है, और कोई चारा ही नहीं। तो ठीक है, कल से हम कलम बंद हड़ताल करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं आपके इस हड़ताल का विरोध करता हूँ। तिवारी जी, आप कैसे इस हड़ताल का विरोध कर सकते हैं? आप ही के वजूद की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और आप इतना अपमान सहने और संपादक के पूरे सलूक के बावजूद हड़ताल का विरोध क्यों? तिवारी क्यों? आप लोग मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग संपादक जी के इच्छा अनुसार उनके काम को अंजाम देने लगे हैं। संपादक जी तो चाहते हैं कि हड़ताल हो, क्योंकि मैनेजमेंट भी यही चाहता है। असली बात तो यह है कि मैनेजमेंट हमारे प्रादेशिक संस्करणों को बंद कर देना चाहता है। हमारी हड़ताल से उन्हें और मौका मिलेगा, और हम सभी जानते हैं कि मालिकों के आपसी बंटवारे के बाद हम लोग जिनके हिस्से में हैं, वे अपना व्यवसाय बदल देना चाहते हैं, और इसी काम के लिए संपादक जी को विशेष रूप से यहाँ भेजा गया है। तो ये बात है, ये मिशन था उनका। तिवारी प्रभु की बातों में दम तो है। तो रमेश भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं, एक तीखा विरोध पत्र मैनेजमेंट को दिया। हाँ, क्यों? यही ज्यादा बेहतर होगा, यही सही रहेगा। नहीं, आखिरकार विरोध तो करना ही होगा ना, तो क्यों ना मैनेजमेंट को नोटिस दे। हाँ, चलिए सिखा पत्र लिखते हैं। चलिए Thank you.
प्रसाद संख्या के खाते में 10,000 का खाता खुला। दिल्ली से वापसी के बाद संपादक ने पहले की अपेक्षा कुछ गंभीर और अबुझ लग रहे हैं। और जहां तक इस शहर की बात है तो शहर की हालात अच्छी नहीं। अपहरण तो जैसे एक उद्योग बन गया, ऐसे भय और आतंक के माहौल में निर्मित होकर काम करना मुश्किल हो जाता है, पर काम तो करते ही रहना है। Thank you.
वही ना जो सड़कों पर नाश्ती गाती फिरती है। हाँ
हाँ चक्कर साहब, तीनों निर्दोष दिखते हैं। निर्दोष है वो? अरे आवारा है ना आवारा, हमारे सिपाहियों तक से भी दो चार रुपए लेती है। आप कहते हैं निर्दोष, खैर फिर भी आप नहीं मानते हैं तो रिपोर्ट दर्ज कर दें। हाँ जब ऐसे जाम लोगों से रोज का मिल रहा है तो बात कर नहीं पड़ेगी ना। तो नाम बताइए, तो क्या नाम रखती हो? नजमा, नजमा, स्वीटी, बीती, जमिया, जमिया। अच्छा अच्छा उम्र बीस, 21 और कहीं कोई 25 का। चलो बढ़िया, चलिए जाइए अपना काम हो जाए। Oh,
तीन हो गए। राम प्रकाश तिवारी को लापता हूं, मेरे कुछ साथियों को, हम सबको पूरा विश्वास है कि वो वापस लौट आएगा। पद नहीं हुआ है उसका, पद नहीं हुआ है उसका, ये तो उसकी पदस्थल से चलान थी। पर मैं जानता हूं कि वो इस दफ्तर में कभी नहीं लौटेगा। हाँ, शहर के भीतर लौटने से उसे कोई लक्कर बग्घा नहीं रोक सकता। मुझे उसकी आवक पर पूरा भरोसा है, पर एक बात मेरे भीतर टीस मार रही है कि उस दिन उसके जाने के बाद हम कुछ और भी कर सकते थे। छोटा बच्चा है सौरभ इरशाद आलम।
जोरदार ताली बजाइए। मूल रचना ऋषिकेश सुलभ, नाट्य रूपांतरण कन्हैया प्रसाद, अगर कन्हैया यहाँ है तो इंदिरा मंच पे आ जाए। सारे देश की भूमिका मेरे बड़े भाई अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा, निर्देशन इस नाटीज का है सुमन कुमार, मार्गदर्शन गणेश प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर किशोर सिन्हा, सुशील शर्मा, निदेश्वर मिश्रा और बहुत सारे सहयोगी जिन्होंने हमें इस नाटक को मंचित करने में अपना भरपूर योगदान दिया है। खासतौर से हम आभार प्रकट करते हैं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, पटना संग्रहालय परिवार, बिहार थिएटर, कुमार अनुपम, कुमार अरुण सिन्हा गुप्तेश्वर, हरिकृष्ण सिंह गुन्ना, रमेश सिंह फ्रीडम विस्तार रणकर्मी और उनके बहुत से मित्र। धन्यवाद। इस होली के अवसर पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। होली के दिन बहुत नजदीक है और आपने इस नाटक को देखा, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि आप लोगों ने जो अपना बहुमूल्य समय निकाला है। कोई दर्शक कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल पूछना चाह रहे जी? पूछिए। तिवारी जी से पूछिए कि सचमुच की एक्टिंग थी कि असर था? नहीं नहीं कोई असर नहीं था, बिल्कुल एक्टिंग थी। जोरदार ताली बजाइए। और ये टोटल एक्टिंग थी, ये कभी दारू नहीं इन्होंने छुआ है, ये तक ये गौरव है। जोरदार ताली बजाइए और बधाई हमारे अभी 84 वर्षीय जो ये अभी कलाकार यहाँ से उठ के गए हैं मेरे बड़े भाई अमियानाथ चटर्जी, उनका भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने ये जहमत उठाई आज के दिन हमारे नाटक देखने की। बहुत कम में संख्या है लेकिन ये संख्या मेरे लिए मेरे दिल में बहुत बड़ा उत्साह वर्धन कर रही है। आप सबों के लिए खासतौर से आज का दिन और आने वाला कल आप सभी को शुभकामना दें। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।